या हमारा क्षमता बस सोहर गवावे के हम चाहे हम चाहे तो हर 9 महीना पर सोहर गवा दी अपना घर में। ज्यादा बोलब ना बाबू, बट समझ लिया ठीक ना, मत कुरे दा फोन सिंह नाम इसे ज्यादा ना बोला। अरे कतना लोग सोहर गावता, अरे भाई हमार तो कल दूसरे के द्वार पर सोहर हो गए, तहरा घर सोहर भैया हो। अपनो घरे इंसान के क्षमता होके के चाहिए कि अपनो घर पर सोहर हो, खाली दूसरे के घर सोहर हो इंसान। हाँ हाँ अपनो घर पर सोहर कराबो अगर क्षमता होके दे दे तो। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने एक बार फिर से किसी का नाम लिए बिना किसी खास के लिए हमला बोला तो अब पवन सिंह का उस पर जवाब आ गया है। दरअसल खेसारी लाल यादव ने एक कार्यक्रम में कहा कि उनके घर में हर दिन सोहर होगा, उनके अंदर क्षमता है, इसलिए अगर किसी के पास ताकत है तो वो सोहर गवा कर दिखा दे। और खेसारी के इस आरोप को लोग पवन सिंह से जोड़कर देख रहे हैं और अब खेसारी के इसी आरोप पर पवन सिंह का भी जवाब आया है। बहुत सारा आंधी तूफान आया, आज तक मैंने किसी को जवाब भी नहीं दिया और ना ही किसी का नाम लिया और ना ही इसका भी अभी नाम लूंगा। इसका नाम नहीं ले सकता मैं, किसी का नाम ही नहीं ले सकता ठीक ना। लेकिन इतना जरूर बोलूंगा, मुझे जहां तक आशा है आशा है कि वो इस लाइव को भी देख रहा होगा। बाबू मत बांटो यार, एकदम मतलब 1.5-2 साल से ना मतलब लग रहा है कि उसका यही मिशन यही मुद्दा है कि पवन सिंह के छवि को पवन सिंह के इमेज को मतलब कितना गिरा दे। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ देखता नहीं हूँ बाबू, सब देखता हूँ सब सुनता हूँ बट बोलता नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि पवन सिंह को बोलने नहीं आता है ना, ध्यान रखना ठीक ना। ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपके पास क्या अधिकार है किसी को नीचा दिखाना, आप होते कौन हो, आपको किसने अधिकार दिया है किसी चीज का डिसीजन लेने वाला और डिसीजन लेके मार्केट में पब्लिक को बताना सुनाना कि हम क्या हैं हम क्या हैं, तो मेरे पास ये सबूत है वो सबूत है। अब ज्यादा बोलब ना बाबू, बट समझ लिया ठीक ना, मत कुरे दा पवन सिंह नाम इसे ज्यादा ना बोलब। अब पवन सिंह को पवन सिंह बनाने वाला हमारा जनता है बाबू, 2 साल से तुमने हद कर दिया है, इतना कुरेद रहे हो ना, मैं रिएक्शन नहीं देता हूं ना ही कभी दूंगा, लेकिन इतना कुरेद रहे हो ना कि अब हद हो रहा है, मत कुरेदो। ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी के इमेज को मतलब क्या बोलूं, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, मतलब गंध कर रहे हैं, गंध कर चुके हैं और गंध कर दिए हैं। अरे यार पैसा कोई भी कमा सकता है, वो वर्ड मैं यूज नहीं कर सकता, वो हमारे संस्कार में ही नहीं है कि मैं पब्लिकली किसी वर्ड को मतलब यूज करूं। पैसा कोई भी कमा सकता है, कमाओ पैसा, लेकिन बाबू प्रतिष्ठा का पैसा कमाओ, इज्जत का पैसा कमाओ कि भोजपुरी समाज को भोजपुरी दुनिया को भोजपुरी संसार को जातिवाद में कन्वर्ट करके मत बिखेरो। पवन सिंह को 30 साल हो गया गाना गाते हुए, बहुत सारा दुनिया हम लोगों ने देखा है, बहुत सारा काम किया है, कभी ऐसा माहौल नहीं हुआ था जो आज के डेट में हो गया है। कलाकार की कोई जाति नहीं होती है, हमको सब लोग सुनते हैं, हमारे लिए सब भगवान है। हम कलाकार के लिए जाति मायने नहीं रखता है कि हम पवन सिंह हैं, फलाना जी हैं, फलाना जी क्या है, फलाना जी क्या है, फलाना जी क्या है। अरे नहीं भैया, जीवन में बहुत सारा आंधी आया तूफान आया, आज तक आपका पवन कभी किसी को पलट के जवाब नहीं दिया, ना देता है और ना ही कभी देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पवन सिंह को बोलने नहीं आता है, पवन सिंह को गरजने नहीं आता है, आवेला भैया। लेकिन हर चीज के एगो सिस्टम होके के चाहिए, तरीका होके के चाहिए ठीक ना। हमसे हमार माई प्यार कर लीजा, हमार बहन प्यार कर लीजा, हमार चाची हमार फूआ हमार भाई हमार संगतिया, हम
भोजपुरी भाषा जहां भी बोला जाता है, देखा जाता है, सुना जाता है, मैं समझता हूं कि मेरा परिवार है, हम लोग एक घर के हैं, एक समाज के हैं। इंसान को कर्म ही बड़ा और छोटा बनाता है। फलाना के आगे क्या लगने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। इंसान का कर्म बड़ा होना चाहिए। जब तक सांस रही तब तक मेहनत करेंगे। बा आप सबके आशीर्वाद ऐसे ही बरसत रहे, क्योंकि हमारी भूख यही है और कुछ नहीं। तो भाई, इतने देर के लाइव में अगर हमसे कोनो भी गलती भई लो के, तो हम सबसे माफी चाहते नहीं, और एडवांस में हम अपना तरफ से अपने भोजपुरिया समाज के, अपने भोजपुरिया परिवार के, भोजपुरिया संसार के, हम होली के ढेर सारा शुभकामना दे रहल बानी। होली के ढेर सारा शुभकामना आप सबके। हैप्पी होली, खूब मस्त रही जा। अपमानों की गलती माफ कर दिया जाए, कोनो गलती भाई लोग, सॉरी, माफी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।